बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने महामंत्री पवन यादव के नेतृत्व में बाबा साहब के जयकारे के साथ मोटरसाइकिल रैली निकाली। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महामंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा के पवन यादव ने बताया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर गोरखपुर रामलीला मैदान भारत भीमराव अंबेडकर के मैदान से शुरुआत करके इस शोभा यात्रा को कांचीराम शहरी विकास योजना के में जाके समापन हम लोगों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा भीमराव अंबेडकर के बाबा साहब के सिद्धांतों और मार्गों पर चलने के लिए हमेशा अग्रसर है, कोशिश करती है कि भारतीय जनता पार्टी समाज के उन दबे कुचले व्यक्ति की पहचान हमेशा बनने की कोशिश करती है। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म दिवस के अवसर पे भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर गोरखपुर प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे इस शोभा यात्रा को विभिन्न चौराहों से गुजरते हुए कांचीराम शहरी विकास योजना में समापन किया। नहीं ऐसा हम लोग कभी भी भारतीय जनता पार्टी जात की राजनीति नहीं करती है, समतामूलक समाज की राजनीति करती है और बाबा साहब राष्ट्र के धरोहर हैं। हम लोग वो किसी भी दल और किसी पार्टी के नहीं है, वो सर्व समाज के नेता हैं। उन्होंने संविधान बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब को नमन करती है।